क्या नियोजित शिक्षकों की एकता में आ गई है दरार? क्या के पाठक के सामने नियोजित शिक्षकों ने मान ली है हार? क्या शिक्षा विभाग ने चली है कोई चाल? 227,000 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा। क्या शिक्षक संघ के बॉयकाट के बावजूद लाखों शिक्षकों ने फॉर्म भरा है? नियोजित शिक्षकों को लेकर आखिर क्या चल रहा है बिहार में? नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिलाने वाली सक्षमता परीक्षा के पहले चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो गई। शिक्षा विभाग की माने तो इस परीक्षा के लिए 22 फरवरी दोपहर तक करीब 70% नियोजित शिक्षकों ने आवेदन दिया है। 22 फरवरी को अंतिम तारीख थी। जाहिर सी बात है, इस आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से 26 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 13 फरवरी तक आवेदन करने वाले नियोजित शिक्षकों का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। इस परीक्षा को पास करने के लिए सामान्य वर्ग के शिक्षकों को 40, पिछड़ा वर्ग को 36.5, पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर 1 को 34, एसटी और एसटी दिव्यांग और महिला शिक्षकों को 32% अंक लाना होगा। उधर पिछले दिनों इस परीक्षा के विरोध में हजारों नियोजित शिक्षक सड़कों पर उतरे थे। इसके बाद भी शिक्षा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि फॉर्म भरने के आखिरी दिन से पहले तक करीब 227,000 आवेदन अब तक आ चुके हैं, जो कि कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या का लगभग 70% है। इसके बाद भी कई आवेदन देर रात आए हैं। टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक हैं राजू सिंह, उन्होंने कहा है कि सक्षमता परीक्षा के नाम पर नियोजित शिक्षकों की छवि को सरकार धूमिल करने की कोशिश कर रही है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर सरकार की ओर से सुझाव मांगे गए थे, जिसमें 225,000 से अधिक सुझाव भी मिले। बावजूद इसके शिक्षक नियमावली से शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक का प्रावधान नहीं हटा। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों की ऐच्छिक स्थानांतरण की लंबे समय से मांग थी, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षक नेता हैं अमित विक्रम, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो ये सिगुफा मत छोड़िए कि परीक्षा नहीं देंगे, अब आपके झांसे में कोई नहीं आने वाला है, हमने सबकी ईमानदारी और वफादारी देख कर ही फॉर्म भरने का निर्णय लिया है। 19 फरवरी को दोपहर तक 2,00,000 से ज्यादा शिक्षक फॉर्म भर चुके थे, यानी 2/3 शिक्षक सभी संघों के द्वारा एक मत होकर लिए निर्णय के साथ नहीं थे। इसी वजह से मैंने भी निर्णय लिया और अपने साथियों से भी कहा कि फॉर्म भर दें। टीटी शिक्षक में 99 से ज्यादा फॉर्म भरा गया है, इससे स्पष्ट है कि आप सभी संघ के निर्णय के साथ नहीं थे, फिर आपके नेतृत्वकर्ता क्यों अकेले शहीद हो? सभी टीटी शिक्षक के नेताओं ने भी फॉर्म भरा है और 2/3 शिक्षकों ने भी बहुमत फॉर्म भरने के पक्ष में है, तो मैं भी फॉर्म भरने के पक्ष में हूं। अब बस आपसे एक निवेदन है, फॉर्म भर के परीक्षा नहीं देने वाला रायता मत फैलाइए। हमें अच्छे से पता है कि आप सभी परीक्षा देंगे, बस दूसरों को भ्रमित मत कीजिए। इसके पहले अमित विक्रम ने एक और पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें लिखा है, मैंने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा है और परीक्षा भी दूंगा, लेकिन परीक्षा के नाम पर जबरन जिलों से बाहर करने का विरोध करता हूं। रैंडमाइजेशन भी होना है तो ऐच्छिक जिला के अंदर ही हो, सरकार फर्स्ट च्वाइस वाला जिला मिलने की गारंटी दे, अन्यथा परीक्षा पास करके नियोजित रहना पसंद करूंगा, लेकिन परीक्षा दूंगा। सरकार को और विभागीय अधिकारियों को ये बताने के लिए हम योग्य हैं, सक्षम हैं, लेकिन आपके जबरन ट्रांसफर वाली नीति का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। यहाँ साफ है कि के पाठक नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को तोड़ने में सफल रहे। आखिर के पाठक के सामने नियोजित शिक्षकों को झुकना पड़ा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षकों को डर है कि आंदोलन के चक्कर में कहीं सक्षमता परीक्षा भी नहीं दे पाए और नौकरी से भी हाथ धो बैठे। एक बात और स्पष्ट है कि शिक्षक संघ में जो एकता की बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं वो भी टूट चुका है। वरिष्ठ पत्रकार हैं लक्ष्मीकांत सजल, उन्होंने बताया है कि शिक्षक संगठन कितना भी विरोध क्यों न कर ले, यह स्पष्ट हो गया है कि उन्हें सक्षमता परीक्षा देना ही होगा। कई शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा से आपत्ति थी, तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने यह भी कह दिया कि 2 बार ऑफलाइन परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। सक्षमता परीक्षा का लाखों नियोजित शिक्षक भी समर्थन कर रहे हैं। जो टीईटी पास शिक्षक है वो चाहते हैं कि सक्षमता परीक्षा दे, ताकि जो नियोजित शिक्षकों के ऊपर गुणवत्ता विहीन होने का कलंक है वो धुल सके। जिन शिक्षकों की नौकरी 10 से 15 साल से अधिक बची हुई है, वो अपने बेहतर भविष्य के लिए सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं।
बता दें कि सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से शुरू हो रही है और 13 मार्च तक ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा। तमाम शिक्षक संगठनों ने सक्षमता परीक्षा का बॉयकॉट किया है। ऐसे में शिक्षक संगठनों के बॉयकॉट के बावजूद लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भर दिया है। इस पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोच रखते हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर, ये सब हमें आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।